अर्थमेटिक और पीएलसी, मतलब पीएलसी में क्या क्या चीजें यूज में ली जाती है, तो आपको पता लग गया ना, इनपुट डिवाइस सेंसर वगैरह हो गया, आपका जो प्रेसिंग वाला बटन वगैरह जो हो गया वो सब चीजें, दूसरा आपका सीपीयू हो गया, ठीक है, सीपीयू में आपकी बहुत सारी चीजें होने वाली है, प्रोग्रामिंग होने वाला है, उसमें आपका मेमोरी होने वाली है, उसमें आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होने वाला है, बिल्कुल सही है, उसमें आपका डाटा होने वाला है, उसमें आपका एड्रेस बस होने वाली है, कंट्रोलिंग बस होने वाली है, ये सब चीजें क्या होती है हम एक एक करके जान लेंगे बाद में, ओके। आउटपुट डिवाइसेज होती है, आउटपुट डिवाइसेज में क्या क्या आ गया सर, जैसे आपका कोई बल्ब का जलना हो गया, मोटर का चलना हो गया, ठीक है ना, पानी की टंकी का वाल्व खोलना हो गया, तो ये सारी जो चीजें होती है आउटपुट डिवाइस की तरह वर्क करती है, ठीक है ना। और दूसरी, प्रोग्राम करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, जैसे एक कंप्यूटर हो गया है ना, तो एक कंप्यूटर से आप लोगों ने क्या क्या प्रोग्राम कर दिया ना उसमें, बिल्कुल क्लियर है, तो ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। द आर्किटेक्चर ऑफ द पीएलसी इज द पर्सनल कंप्यूटर हैव द वेरियस सिमिलर सच एज द बोथ पीएसी, ठीक है, ध्यान रखना पीसी में और एक पीएलसी में क्या डिफरेंस होता है। देखो, एक आपके पास में जो लैपटॉप होता है ना, ये आपके पास में जो पीसी होता है, पुराने टाइप का जो कंप्यूटर होता है, उसमें एक बड़ा सा बॉक्स होता है सीपीयू वाला, देखा है ना आपका, हाँ, तो उसमें भी सारी चीजें होती है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है ना, कंप्यूटर होता है पूरा का पूरा, और आपका पूरा का पूरा सीपीयू होता है। देखो, आपके कंप्यूटर में भी डाटा होता है, सीपीयू होती है, मेमोरी होती है, ठीक है ना, एड्रेस बस होती है, डाटा बस होती है, सारी चीजें कंप्यूटर में भी पाई जाती है, ठीक है। लेकिन पीएलसी में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कीबोर्ड होता है, माउस होता है ना, आपका इनपुट देने के लिए चीजें होती है, ये सारी चीजें आपके पीएलसी में नहीं होती है। पीएलसी एक छोटी सी एक चिप की तरह होती है, उस चिप में आप कंप्यूटर की तरफ से उसमें प्रोग्राम फीड कर देते हो, है ना, और उस चिप में पूरी मेमोरी वगैरह सब कुछ होती है। जैसे आप लोग नहीं देखते कि आजकल मोबाइल्स में लगाने के लिए चिप आती है, वो छोटी सी है ना, 2GB का कार्ड, 5GB का कार्ड, 25GB, 50GB आता है कि नहीं आता है, छोटे से कार्ड में इतना स्टोरेज होता है ना, तो वो सारी चिप वगैरह जो होती है ना, ये सब पीएलसी का ही कमाल है, ठीक है। वैसे वो पीएलसी होती नहीं है, वो तो सिर्फ मेमोरी कार्ड होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें पीएलसी और कंप्यूटर में बहुत सारी सिमिलरिटी है, सारी चीजें एक जैसी है, बस कहानी सिर्फ इतनी है कि कंप्यूटर जो होता है इसमें आपका कीबोर्ड माउस वगैरह ये सब हम इनपुट के लिए यूज में लेते हैं, इन सब चीजों से हम प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन उसमें ऐसी कोई डिवाइस नहीं होती, वो तो एक नॉर्मल एक बॉक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीपीयू होता है। और इनपुट डिवाइसेज क्या होती है, जैसे कोई सेंसर हो गया, ऑन ऑफ का बटन हो गया, तो वो सारी चीजें पीएलसी का इनपुट होती है, ठीक है ना। हाँ, बाकी काफी चीजें आपके कंप्यूटर की तरह होती है, बाकी मैंने इसमें सब लिख रखा है, देख लो आप, ठीक है। तो आर्किटेक्चर ऑफ द पीएलसी एंड द पर्सनल कंप्यूटर हैव द वेरियस सिमिलरिटी सच एज बोथ पर्सनल कंप्यूटर एंड पीएलसी कंटेन इनपुट सीपीयू होता है दोनों में क्या होता है, सीपीयू, आपने देखा होगा कंप्यूटर के पास बड़ा सा बॉक्स रखा होता है, सीपीयू होता है वो, ओके। इनपुट मॉडल्स दोनों में इनपुट होते हैं, लेकिन दोनों के इनपुट अलग अलग होते हैं, है ना। पीएलसी के इनपुट क्या होंगे, सेंसर, ऑन ऑफ का बटन, इसके इनपुट क्या होने वाले हैं, कीबोर्ड, माउस, कैमरा, सही बात है, ओके। ये आपके किसके होते हैं, कंप्यूटर के होते हैं। आउटपुट मॉडल्स बिल्कुल सही है, पीएलसी के आउटपुट्स क्या होते हैं, देखो आउटपुट मॉडल होते हैं दोनों के, लेकिन दोनों के अलग अलग होते हैं। पीएलसी के आउटपुट क्या होते हैं, पीएलसी के आउटपुट होते हैं जैसे मोटर का चलना, बल्ब का बंद होना, वाल्व का ज्यादा ओपन होना, कम ओपन होना, ये सारी चीजें होते हैं पीएलसी का आउटपुट। कंप्यूटर्स के आउटपुट क्या होते हैं, किसी जैसे आपने कोई प्रिंटर को सिग्नल भेजा कि भाई प्रिंट करो, प्रिंट का निकलना, सही बात है, तो ये सारे कंप्यूटर्स के आउटपुट होते हैं, हाँ, तो ये कंप्यूटर के और दोनों के। मेमोरी, भाई अगर मान लो सीपीयू है तो सीपीयू के पास क्या होती है, मेमोरी होती है, दोनों के पास रहने वाली है। पावर की जरूरत तो पड़ेगी, कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो उसको पावर की सप्लाई की जरूरत पड़ती है। आगे देखो, द डिफरेंस बिटवीन द पीसी एंड पीएलसी इज दैट इनपुट डिवाइस ऑफ पीसी, बोला ना मैंने, इनपुट डिवाइस होती दोनों में लेकिन दोनों में अलग अलग होती है। आर दे पीसी में क्या होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, एंड आउटपुट डिवाइस क्या होती है, प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, सही है ना, ये सारी होती है पीसी में। लेकिन पीएलसी में क्या होता है, इनपुट मॉडल पीएलसी में जैसे कोई स्विच हो गया, सेंसर हो गया, ठीक है, आउटपुट में क्या होगा, जैसे कोई रिले हो गया, लैंप हो गया, कोई मोटर हो गई, ये सारी चीजें जो होती है वो आउटपुट में पीएलसी का होता है। आगे, द अदर डिफरेंस इज दैट पीएलसी कैन परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर बट पीसी कैन परफॉर्म सिमिलरली मेनी टास्क इन 1 8 a टाइम। जैसे ध्यान से सुनना, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे पीएलसी हुआ, पीएलसी में आपने एक बार बोल दिया, पीएलसी को आपने एक बार ऑर्डर दे दिया कि जैसे मान लो आप लोगों ने स्मोक डिटेक्टर है ना, स्मोक एक बार गया तो पीएलसी उसको काम को करेगा कि उसने अलार्म बजाया, उसने पानी को निकाला, सही बात है ना, क्योंकि उसमें आप लोगों ने एक सिग्नल भेज दिया कि स्मोक आते ही आपको ये काम करना है, तो वो तुरंत वो काम करेगा। लेकिन एक कंप्यूटर है, ये एक डिजिटल डिवाइस है ना, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आपने सपोज डेट आपने YouTube खोला है ना, YouTube में गाने चला रखे हैं,
अब बैक साइड में गाने चल रहे हैं, आगे आप आपकी पीपीटी का काम कर रहे हो, है ना, पीडीएफ में पढ़ रहे हो, सही बात है नहीं है? तो एक साथ आप मेनी ऑप्शंस भी ओपन कर सकते हो, ये भी काम चल रहा है, ये भी कर रहा है, पूरा स्क्रीन पे पूरा काम चल रहा है, सही है ना? लेकिन टीएलसी को क्या हुआ, एक बार आपने ऑर्डर दे दिया कि आपको ये करना है तो वो काम करेगा, सही बात है ना? वन एट ए सिंगल टाइम ऑर्डर गया, काम होगा, वो कंप्लीट होने के बाद फिर दोबारा ऑर्डर गया, फिर वो दूसरा काम करेगा, सही बात है? तो सिक्वेंशियल। लेकिन लैपटॉप में क्या होता है, लैपटॉप में आप म्यूजिक भी सुन सकते हो, गाने भी चला सकते हो, वीडियो भी चल रहा है, सही बात है, पीपीटी पे काम भी कर रहे हो, पीडीएफ भी पढ़ रहे हो, फोटोज भी देख रहे हो, है ना? तो सारी चीजें, कई सारे जो टैप होते हैं वो ओपन हो जाते हैं एक ही बार में, किसके ऊपर, आपके कंप्यूटर के ऊपर। द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द पीसी इज फिक्स एंड यू कैन नॉट मॉडिफाई इट फ्यूचर, बट पीएलसी कैन बी प्रोग्राम सर्वल टाइम्स टू कंट्रोल द डिफरेंट प्रोसेस इन द इंडस्ट्री। देखो इस चीज को ना थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां पर थोड़ा बोल दिया है तो मैं हल्का सा एक्सप्लेन यहां कर देता हूं, बाकी आगे करूंगा, ठीक है? देखना, मेमोरी जो होती है, ठीक है, मेमोरी जो होती है, ये मेमोरी आपके सीपीयू में पाई जाती है ना, और बेसिकली मेमोरी जो होती है ना वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है आप लोग जानते होंगे, मेमोरी जो होती है वो एक होती है रैम होती है, एक तो एक रोम होती है, समझ लो, एक रैम होती है, एक क्या होती है, रोम होती है। रैम जो होती है ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होती है ये होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी, जानते हो ना, है ना? तो ये तो होती है आपकी रीड ओनली और ये होती है आपकी रैंडम, ठीक है? तो एक होती है आपकी रैंडम एक्सेस, एक होती है आपकी रीड ओनली। देखो रीड ओनली का क्या मतलब है, जैसे आप लोग कंप्यूटर में कभी कभी ओपन करते हो, जैसे आप लोगों ने कोई पीडीएफ ओपन की है ना, तो उस पीडीएफ में आप कुछ एडिट नहीं कर सकते हो, कुछ लिख नहीं सकते हो, होती है ना, लॉक करके रखते हैं कभी कभी पीडीएफ को, तो आप उसे सिर्फ रीड कर सकते हो, आप उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते हो, है ना? और रैंडम एक्सेस जो मेमोरी होती है, इस रैंडम एक्सेस मेमोरी को आप चेंज कर सकते हो, बार 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 चेंज कर सकते हो। अब सोचो जैसे एक कंप्यूटर है ना, अब कंप्यूटर में क्या किया, कंप्यूटर में आप लोगों ने उसमें पूरा का पूरा, मान लो आप लोगों ने उसमें एक प्रोग्राम डाल दिया, मान लो आप लोगों ने विंडोज है, आपने विंडो 10 उसमें डाल दी, है ना, तो विंडो 10 उसमें डाल दी, तो विंडो 10 के अपने कुछ फीचर होते हैं, होते हैं कि नहीं होते, उसको पूरा प्रोग्राम करके बनाया जाता है। अब एक बार उसमें डाल दिया तो आपका लैपटॉप जो होगा वो वैसे ही वर्क करेगा जैसे विंडो 10 के फीचर है, सही है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि आपने विंडोज डाल दी फिर आप बोल रहे हो नहीं मैं तो इसमें अलग काम करूंगा, है ना भाई? जैसा आपके कंप्यूटर में जैसा सिस्टम डला हुआ है, जैसी मेमोरी, जैसा प्रोग्राम उसमें आपने कर रखा है, वो सिस्टम उसी तरीके से प्रोग्राम करेगा कि नहीं करेगा, सही बात है ना? उसी तरीके से तो करेगा ना, ऐसा तो नहीं है आपने ये विंडो डाल रखा है अभी ये चल रहा है भाई मैं वीडियो देख रहा हूं, मैं तो विंडो 10 में वीडियो देख रहा हूं, सही है, लेकिन मुझे गाने है ना वो विंडो 7 में सुनने हैं, तो क्या करूं, क्या करूं भाई, पूरे विंडो 10 को हटाओ, पूरा रिसेट मारो, फिर से विंडो 7 डालो, फिर काम होगा ना आपका, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने विंडो 10 डाल दी तो फिर वही चलेगी, उसमें चलेगी कि नहीं चलेगी? बिल्कुल सही बात है, सही है ना? तो इसमें आपका रीड ओनली मेमोरी होती, दोनों ही है रैंडम एक्सेस रीड ओनली, लेकिन ये अधिकतर वर्क किस पे करता है, रीड ओनली मेमोरी पे करता है, मतलब आपने का प्रोग्राम पहले से सेट है, आप लोगों ने जो बोला कि ऐसे वर्क करना है तो वो वैसे ही वर्क करता है, सही है। पीएलसी की क्या कहानी है, सुनो, पीएलसी में भी दोनों होती है, रैंडम एक्सेस भी होती है, रोम भी होती है। अब रीड ओनली मेमोरी क्या करती है, रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है कि किसी भी डिवाइस में आपने कोई प्रोग्राम फीड कर दिया कि तुम्हें ऐसे वर्क करना है, जैसे मान लो एक पीएलसी था, उस पीएलसी पे आप लोगों ने कंप्यूटर से पूरा प्रोग्राम फीड कर दिया कि जैसे ही स्मोकिंग हो बिल्डिंग में तुम्हें डिडक्ट करके अलार्म बजा देना है। अब आपने उसको क्या कर दिया, फीड कर दिया, है ना, फीड कर दिया, तो पीएलसी की मेमोरी में जाके सेट हो गया, पीएलसी ने अपने दिमाग में बिठा लिया कि जैसे ही इनपुट से मुझे सेंसर ने, स्मोक डिटेक्टर सेंसर ने मुझे सिग्नल भेजा कि स्मोकिंग है तो मुझे यह प्रोग्राम चला देना है, सही बात है, नहीं है? बिल्कुल सही है। तो जो अब क्या आप लोगों ने जो प्रोग्राम सेट किया, क्या उसमें कुछ चेंज कर रहे हो क्या आप? नहीं, आप लोगों ने एक बार सेट कर दिया ना, ठीक है, अब वो सेट करके रखा हुआ है, मतलब वो कहां है, मेमोरी में है। किसकी मेमोरी में है? पीएलसी की मेमोरी में है, सही बात है। अब इनपुट ने सिग्नल भेजा, सेंसर ने सिग्नल भेजा, अब सेंसर का सिग्नल आया तो वो सिग्नल भी तो आके भाई जैसे आपका हाथ टच हुआ था तो यहां से हाथ ने सिग्नल भेजा था ना माइंड तक, भेजा था कि नहीं भेजा था? गरम तवे वाला एग्जांपल याद है ना, हाथ सिग्नल भेजा था कि नहीं भेजा था? बिल्कुल सही। मतलब इनपुट डिवाइस भी सिग्नल भेजेगी, किसको, ब्रेन को। फिर ब्रेन क्या करेगा, पहले से जो प्रोग्राम, पहले से अपने माइंड में जो चीज है कि भाई हाँ जलने से हाथ जल सकता है, गर्म चीज से हाथ जल सकता है, इसीलिए तो आपने हटाया ना, बिल्कुल। तो पीएलसी ने आपने प्रोग्राम सेट कर रखा है कि धुआं आए तो तुम्हें यह काम करना है, वो पहले से सेट है। अब जैसे ही सेंसर ने सिग्नल भेजा कि ओके धुआं आ गया, तो यह धुआं आ गया
पहले से प्रोग्राम था, पीएलसी ने दोनों को मिलाया कि ओके मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल मैच हो रहे हैं, हो गया काम, मिल गया सिग्नल, तो वो बोल देगा कि चलो ठीक है आउटपुट को प्रोसेड करो, जल्दी से निकालो, क्या करो अलार्म क्लॉक को बजा दो, अलार्म बजा दो, सही बात है कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रोसेस आपका काम करने लग जाएगा। समझ में आई बात, बिल्कुल सही है ना। अब देखो ये इस तरह की दो तरह की, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी होगी, जो इनपुट ने लाके फीड की वो होगी रैंडम एक्सेस, सही बात है। ROM कौन सी होगी, जो आपने कंप्यूटर से फीड की, किसमें, पीएलसी में। अब सोचो कंप्यूटर में एक बार आपने विंडो डाल दी तो वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही है, सही है ना। लेकिन मान लो आप लोगों ने कंप्यूटर से एक प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामिंग करके पीएलसी में सेट किया, आपको लगा कि ओके मैंने जो प्रोग्रामिंग की थी उस तरीके से ऐसे वर्क करेगा, लेकिन मुझे तो कुछ और भी वर्क करवाना है, इसमें कुछ एडिशनल वर्क भी करवाना है, मुझे सिर्फ अलार्म नहीं बजाना, मुझे क्या करना है, मुझे जैसे ही अलार्म बजे स्मोक डिटेक्टर आए मुझे पानी भी चालू करना है बिल्डिंग का, ठीक है। तो आप लोगों ने उसमें और प्रोग्रामिंग कर दी कंप्यूटर से कि भाई ओके ऐसा हो तो पानी भी चालू हो जाना चाहिए, मतलब आपने उसमें चेंज कर दिया ना प्रोग्रामिंग करके, किया कि नहीं किया, आपने चेंज कर दिया ना पीएलसी में, बिल्कुल सही है। मतलब पीएलसी की मेमोरी में प्रोग्रामिंग में आप चेंज कर सकते हो बाय कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर के विंडोज में आप प्रोग्रामिंग करके चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक कंपनी का बनाया हुआ है, वो आपका बनाया हुआ नहीं है। वो कंपनी विंडोज वाली जो कंपनी है वो विंडोज के फीचर में कुछ चेंज करेगी, नए फीचर लाएगी, तो आपके सिस्टम को आप अपग्रेड कर सकते हो, उन फीचर से आप रिलेट कर सकते हो, लेकिन आप खुद तो चेंज नहीं कर सकते ना। हाँ, तो पीसी में आप खुद चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन पीएलसी में आप खुद प्रोग्रामिंग कर सकते हो, क्लियर है ना। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये देख लो आप पूरा का पूरा। अब आप बोलोगे सर ये इमेज ऐसी बार बार क्यों आ रही है, बार बार इसलिए आ रही है बेटा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एक ही ऐसी इमेज में आगे और लेके आऊंगा, ठीक है ना। हाँ देखो, ये आपका सबसे पहले क्या है, इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल पे क्या हो सकते हैं, सेंसर हो सकता है, ऑन ऑफ का स्विच हो सकता है, ठीक है ना। हाँ देखो फिर से भाई कहानी देख लेना पूरा। इनपुट यहां से गया, ये आप बोलोगे सर ये इनपुट इमेज फाइल क्या है, तो बेटा ये वो है जो आप सीपीयू को दे सकते हो, क्योंकि सीपीयू में कौन सी बाइनरी कोडेड जाना है, सीपीयू में डिजिटल फॉर्म में जाना है। मान लो आपका सिग्नल लेना लोग आ रहा होगा तो उसको वैसा फाइल में बनाना पड़ेगा ना जो आप सीपीयू में डाल सको, सही बात है। आपने यहां से सिग्नल को कहां भेज दिया, सीपीयू में भेज दिया। सीपीयू क्या करेगा इस इनपुट के साथ में, इसको मैच करेगा किसके साथ, अपने प्रोग्राम के साथ। प्रोग्राम आप किससे दोगे, अपने कंप्यूटर से दोगे। उसने इस प्रोग्राम से मैच किया, दोनों को डिडक्ट किया, और डिडक्ट करके कहां भेजेगा, इसको आउटपुट में भेज देगा, सही बात है नहीं है। और आउटपुट में क्या होगी, आपके मोटर हो सकता है, हैं, सही बात है, कोई बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेमोरी क्या है, सर मेमोरी यहां से आपने जो प्रोग्राम किया था उसको स्टोर करके बैठा था ना ये इंसान, अरे बिल्कुल बैठा था कि नहीं बैठा था। हाँ, डाटा से मैच किया, दोनों का बिहेवियर मैच हुआ तो इसने आगे भेज दिया। आई थिंक अब ये क्लियर होगा, मैं आपको दो तीन बार बता चुका हूं, ठीक है। आगे चलो, सुनो जरा ध्यान से, ये कहानी वैसे आपके आगे आने वाली है, डाटा कंट्रोल में पढ़ाने वाला हूं, है ना। आपके कंट्रोलेबल जो डिवाइसेज है वो भी आपकी इसमें है, तो आप लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर में 8085 पढ़ लिया होगा, और कंट्रोलेबल यूनिट 8051 आपके इसमें थोड़ा दिया हुआ है, तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं है अंदर तक, लेकिन मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंट्रोलर के बारे में। तो वहां इन सब चीजों के बारे में हम और भी ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये जो बसेज होती है, एड्रेस बस क्या होती है, डाटा बस क्या होती है, कंट्रोल बस क्या होती है, तो इन सब के बारे में हम वहां पे बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी ये डायग्राम में सिर्फ आप थोड़ा सा देख लो क्या करना है। तो देखो ये है आपका प्रोग्राम, प्रोग्राम किसके द्वारा किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। कंप्यूटर ने प्रोग्राम किया, कहां भेजा, पीएलसी के सीपीयू में। सीपीयू में क्या होती है, मेमोरी होती है। सीपीयू में क्या होती है, मेमोरी होती है, ठीक है ना। अब ये प्रोग्राम इस मेमोरी में क्या हो गया, फीड हो गया। अब देखो यार एक बात बताओ, जैसे आपका अब मेमोरी ये तो है नहीं है ना कि मेमोरी एक ही चीज की, जैसे आपका माइंड है ना, तो माइंड में कई सारी चीजें हैं। आपको पता है ना आपके पापा कौन है, मोम कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है ना, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपके दोस्त क्या है, कौन से चैप्टर में क्या है, सारी चीजें आपको याद रहती है कि नहीं रहती है। कभी कहीं घूमने गए तो वहां क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सही बात है ना। ऐसे थोड़ी कि एक ही मेमोरी है ना, कि बस मुझे यही पता है कि मेरे दोस्त का क्या नाम है, बाकी मुझे कुछ पता ही नहीं है, है ना। फिर मान लो आपने बोल दिया कि आपके पापा का नाम ये है, तो आप दोस्त का नाम भूल गए। आपने बोला मम्मी का नाम ये है, तो आप पापा का नाम फिर भूल गए। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी लोकेशंस होती है ना। तो जब कोई भी चीज आती है, जैसे आपका पूरा मोहल्ला है ना, अब मोहल्ले में आपने घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन पिज्जा मंगवाया, डिलीवर किया, तो आप लोग क्या करोगे, अपना एक एड्रेस भेजोगे, है ना। एड्रेस भेजा ना आपने, एड्रेस भेजोगे, तो ऑनलाइन डिलीवरी वाला जो आएगा वो सीधा आपके घर पहुंच जाएगा। मोहल्ले में होता हुआ कैसे पहुंचा वो आपके घर, कैसे पहुंचा, तो वो पहुंचा एड्रेस को देख के कि मुझे कौन सी जगह जाना है। भाई मोहल्ले में तो बहुत सारे घर है, 100-200 घर है, लेकिन उसको आपके घर पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंचेगा कि मुझे कौन सी जगह जाना है, कौन सी जगह जाके सेट होना है।
तो जैसे आप कोई चीज को मेमोराइज करते हो तो दिमाग के अलग अलग पोर्शन होते हैं, तो वो चीज जाके सेट होती है कि मैं इस जगह पे जाके बैठ गई हूं, यहां पे मेमोराइज है मुझे वो चीज, सही है ना। अपन नहीं होते कि कोई चीज याद नहीं आती तो पहले बैठ के सोते हैं कि यार मुझे याद करने दे याद करने दे याद करने दे, मतलब वो क्या होता है, अपन अपने माइंड में सर्च करते हैं कि ये चीज कहीं पे फिट है क्या, कहीं पे स्टोर करके रखी हुई है क्या, निकल जब तो निकल बाहर निकल, है करते हैं कि नहीं करते हैं, वो वाला सीन है। तो वहां से आपका पिंजरा, तो एड्रेस पता होना चाहिए कि किस एड्रेस पे जाके मुझे स्टोर होना है, समझ में आई बात नहीं, क्लियर है। तो पहली चीज होती है एड्रेस, मेमोरी को किसी भी डाटा को हमें कहां स्टोर करना है तो वो एड्रेस का होना जरूरी है। एड्रेस मिल गया, पिज्जा डिलीवरी बॉय को एड्रेस मिला, वो क्या लेके आया, पिज्जा लेके आया, आपके घर पे पहुंच गया, आप घर में से बाहर निकालो, उसने आपको क्या दे दिया, पिज्जा दे दिया, दे दिया पिज्जा, पिज्जा आपका मेन पर्पज था, आपने क्या मंगाया था, पिज्जा मंगाया था, तो पिज्जा आपके लिए क्या होता है, वो होता है आपका डाटा, आपने जो मंगाया वो आपको मिल गया ना, वो क्या हुआ, आपका डाटा हुआ, सही बात है, नहीं है। तो यहां से कौन लेके आया, डिलीवरी बॉय लेके आया, डिलीवरी बॉय है एड्रेस बस, एड्रेस बस क्या लेके आती है, डाटा लेके आती है, ठीक है ना। तो उसके पास में डाटा है, तो दो चीजें होगी, एड्रेस बस होगी, डाटा बस होगी, सही बात है, नहीं है। मतलब एक इंसान है जो एड्रेस पे आ रहा है आपके डाटा को लेके, और उसने उस जगह पे जाके उसको डिलीवर कर दिया, वहां जाके उसने सेव कर दिया मेमोरी में, लोकेशन मिल गई ना, उसने आपका घर ढूंढ लिया ना, लाके आपको क्या दे दिया, पिज्जा दे दिया, आपने पिज्जा लिया और बड़े चाव से खाया, अरे सही बात है ना, पिज्जा लिया और बड़े चाव से खाया, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इसमें कंट्रोल भी हो गया, क्या कंट्रोल हो गया भाई, एक बात बताओ, वो आपको पिज्जा तब देगा जब आप उसको पेमेंट करोगे, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो वो आपको पिज्जा देगा नहीं, वापस ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। हाँ, तो इन सबको प्रोसेस कराने के लिए क्या होता है, कंट्रोल भी होता है, कंट्रोल यूनिट भी होती है, सही बात है। वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में मैं इसकी आगे पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना, मेमोरी में तीन बसेज होती है, एड्रेस बस होती है, डाटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है। एड्रेस बस एड्रेस दिखाती है कि किसी भी डाटा को कहां स्टोर करना है, कौन सी जगह स्टोर करना है, एड्रेस बताती है। डाटा कि क्या डाटा आ रहा है, जैसे ये डाटा आया इसको यहां पे सेव करना है, तो एड्रेस ने एड्रेस बताया, डाटा बस डाटा लाई, डाटा बस ने वहां लाके डाटा को सेव कर दिया सेव, वो सेव है वहां पे, सही है ना। हाँ, जैसे आपने प्रोग्राम किया था, प्रोग्राम करके आप लोगों ने अपने पीएलसी में क्या कर दिया था, डाटा को सेव कर दिया था, बिल्कुल सही है ना। ओके, अब जैसे स्मोक डिटेक्टर ने स्मोक को डिटेक्ट किया था, डिटेक्ट करके सिग्नल भेजा था, और सिग्नल ने क्या किया था, आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड ओनली मेमोरी से मर्ज हुई थी, सीपीयू ने रीड किया था ना दोनों को कि भाई देखो क्या मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और मैच हो रहा है तो आउटपुट दे दिया था। बिल्कुल वही काम होगा, क्या होगा, ये रियल वर्ल्ड जो होगा यहां से इनपुट आएगा, इनपुट ने भी कुछ भेजा, सही है, वो इनपुट यहां से मैच होएगा कि जो एड्रेस पे सेव है क्या उस एड्रेस पे जाएगा, इनपुट आया एड्रेस पे गया, वहां जाके उसने डाटा को चेक किया कि मेरा जो सिग्नल मिल रहा है, भाई मेरा रिलेशन धुआं से है क्या, धुआं का सिग्नल है क्या इसके पास, तो ढूंढेगा इसमें, पहले एड्रेस ढूंढेगा, एड्रेस मिलते ही फिर वहां पे वो डाटा को ढूंढेगा, डाटा मिलते ही वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन कर देगा, और एग्जीक्यूशन करके आपको कहां मिल जाएगा, आउटपुट में मिल जाएगा। मतलब ये सीपीयू की कहानी होती है भाई, सीपीयू में जो मेमोरी सेव होती है ना उसकी ये कहानी होती है, तीन बसें होती है यहां पे, तीन इंसान है यहां पे, समझ रहे हो ना आप, है एक ने सेव किया, दूसरा डाटा लेके आया, तीसरा आपने कंट्रोल किया कि कितने टाइम में वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, किस तरह का बिहेवियर होना है, सही बात है नहीं है। क्योंकि आपके पास में दो है इनपुट में, आपके पास दो है, एक है कंप्यूटर जिससे आप प्रोग्राम कर देते हो कि आपको ऐसे वर्क करना है, और दूसरा इनपुट डिवाइस है जो आपके सेंसर वगैरह है जो इनपुट को लेके आती है। दोनों डाटा एक दूसरे से मर्ज होते हैं, इनपुट का और ये दोनों वर्क करते हैं कहां पे, सीपीयू में, और सीपीयू से ये फिर क्या निकाल देता है, आउटपुट निकाल देता है, क्या निकाल देता है, आउटपुट निकाल देता है कि मोटर को चलाना है, बल्ब को बंद करना है, किसको क्या करना है, समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में। ओके, एक एक आगे के जो आपके पीपीडीज है उनमें मैंने इन एक एक बसेज को अलग से भी लिखा है पूरा, कि एड्रेस बस क्या होती है, डाटा क्या होती है, कंट्रोल क्या होती है, और ये किस तरीके से वर्क करती है।